मेहरबान रावत की मौत का पता चार्ली अपने तरीके से लगाती है। तब उसे पता चलता है कि मानस उस रात अपने पब्लिशर के साथ नहीं था और मोहन अंकल उस रात मूवी देखने नहीं गए थे। निकोल मॉरिस की भी स्कीइंग करते हुए मौत हो जाती है और पुलिस उसे एक एक्सीडेंट बताती है। अब आगे एपिसोड 4। एपिसोड की शुरुआत में एक पुराना सीन दिखाया जाता है जिसमें जिमी एक रेस्टोरेंट में होता है और वो अपने लैपटॉप पे काम कर रहा होता है। तब चार्ली वहां आती है तो जिमी ने लेमन टी का ऑर्डर दिया और इस वक्त रेस्टोरेंट के बंद होने का समय हो चुका था। तो जब चार्ली लेमन टी लेके आती है उस दौरान जिमी काफी टेंशन में था। उसने बताया कि कल मेरी बिजनेस मीटिंग है, मैं उसी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। फिर जिमी अपनी स्पीच चार्ली को सुनाता है कि मेरा फैमिली बिजनेस है और मैं हनी जैम पीनट बटर बनाता हूँ। तो चार्ली ने जवाब में बोला, तुमने एक लाइन में कई बार बिजनेस बिजनेस बोला है, तुम थोड़ा आराम करो और लंबी सांस लो। फिर चार्ली उसे 100% ऑर्गेनिक नेचुरल हनी का आइडिया देती है जो जिमी को काफी पसंद आता है। इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें चार्ली रात को अपने होटल की तरफ जा रही थी। तब उसने मिस ब्रूचा के घर पे किसी को चलते हुए देखा। उसे लगा कि मिस ब्रूचा चलने लगी और वो व्हीलचेयर पे बैठने का नाटक कर रही है। यही पता लगाने अगले दिन चार्ली उनके घर जाती है। वो रोनी से बॉबी मांगती है, मतलब चरस, तो रोनी उसे बॉबी दे देता है। इस वक्त मिस ब्रूचा नहा रही थी तो चार्ली ने बॉबी वाले पर्स को उठा के अलमारी के ऊपर रख दिया और वो बाहर चली गई। जब मिस ब्रूचा नहा के आई उन्होंने देखा कि उनका पर्स अलमारी पे रखा हुआ है, तो वो व्हीलचेयर से खड़ी होके उसे उठा लेती है। ये सब चार्ली खिड़की से देख रही थी। तब मिस ब्रूचा ने सच्चाई बताई कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बीमारियां होने लगी और खर्चे भी। फिर मुझे अपना इंश्योरेंस याद आया, मरने पे या अपाहिज होने पे सेम मुआवजा। फिर एक सीन दिखाया जाता है जिसमें रोनी और मिस ब्रूचा अपनी गाड़ी को धक्का मार के पेड़ से टक्कर करवा देते हैं ताकि एक्सीडेंट लगे, और उसमें मिस ब्रूचा बैठ जाती है और रोनी को कहने लगती है कि मेरे फेस पे मुक्का मारे ताकि ये लगे कि एक्सीडेंट में चोट भी लगी है और उन्हें इंश्योरेंस के पैसे मिल सके। इसके बाद वहां रोनी आके चार्ली को न्यूज दिखाता है जिसमें सीताराम बता रहा था कि मानस भी अब मेहरबान के खून के शक में है। उनकी पुलिस को दी गई गवाही भी झूठी है, खून की रात वो चंडीगढ़ में नहीं मनाली में थे। हालांकि चार्ली ने सीताराम को ये न्यूज बताने से मना किया था। फिर सभी घर वाले चार्ली से नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मानस के बैंक रिकॉर्ड्स चार्ली ने सीताराम को बताए हैं और ये सच भी है, उसी ने ही फोटोज क्लिक की थी। तो चार्ली सीताराम के पास जाती है। उसने बताया कि मेरे पास यही एक रास्ता था, इस वजह से कमिश्नर ने दोबारा से जांच शुरू करवा दी है। नारायण की नजरों में बस जिमी ही कातिल है। चार्ली रोने लग जाती है और कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन सीताराम ने कहा तुम यही रहो, यहाँ से मैं जाऊँगा। इसके बाद सभी घर वालों को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है जिसमें इंस्पेक्टर नारायण सबकी गवाही वापिस से लेते हैं। रात में चार्ली शराब पीती हुई जा रही थी और सुबह तक एक ब्रेकिंग न्यूज हर तरफ फैल चुकी थी कि मेहरबान रावत की मौत का मकसद पता चल गया। चार्ली ने जिमी को ब्लैकमेल किया था और उसने पैसे मांगे तो जिमी ने रावत को मार डाला। इसी के साथ चार्ली और जिमी की प्राइवेट वीडियो भी वायरल होती है जिसे देखने के बाद डॉक्टर राय और पुलिस वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं। चार्ली को जब इस न्यूज के बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। अगले दिन वो अपने बाल भी काट लेती है। फिर वो अपने घर पटियाला पंजाब में चली जाती है। वहाँ कुछ बच्चे छुपन छिपाई खेल रहे थे, तब बच्चों ने हॉल में से लड़की को देख लिया था और वो उसे बाहर आने को कहते हैं। तब चार्ली को कुछ याद आता है और वो वापिस मनाली चली जाती है। पुलिस स्टेशन जाके उसने इंस्पेक्टर नारायण से कहा कि मुझे आखिरी बार जिमी से मिलना है। इसके बाद चार्ली ने जिमी से कहा कि उस रात जब तुम चाबी लेने वापिस गए तो मेहरबान रावत ने दरवाजा नहीं खोला, तुम्हें कैसे पता चला कि वो अंदर ही थे? जिमी ने बताया कि उन्होंने पीप होल से देखा था। इस पर चार्ली ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार तब तक उन्हें मरे हुए एक घंटा हो चुका था, यानी अंदर हत्यारा था जिसने तुम्हें वहां देखा और फंसाने का प्लान बना लिया। इसके बाद चार्ली मेहरबान रावत के घर जांच करने जाती है, लेकिन तभी वहां बिल्लू लोगों को घर दिखाने के लिए लेके आता है। तो चार्ली ऊपर वाले कमरे में जाके छुप जाती है, वहां जूते पड़े थे। फिर चार्ली कर्नल बरुआ से पूछती है कि उस रात जब आप रावत के घर पहुंचे तो आपको लगा कि वहां पर कोई और भी है? तो बरुआ ने बताया नहीं, लेकिन वहां गेट पे हनीफ पहले से मौजूद था। तो चार्ली हनीफ के पास जाती है
तब हनीफ ने बताया कि 50 साल पहले मेरे बाबा यहाँ बांग्लादेश से आए थे। असम में काम मिला, वहीं पे शादी की और मैं पैदा हुआ। फिर एक दिन पुलिस आई और कहा कि तुम सब रिफ्यूजी हो, तुम्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। रातों रात फिर हमें भागना पड़ा। मैं मेहरबान रावत के ऑफिस में काम करता था और मैंने उन्हें सब सच बता दिया तो उन्होंने कहा मेरे साथ तुम बिल्कुल सेफ हो। तो हनीफ बताता है कि मैंने खून नहीं किया। इसके बाद जब चार्ली होटल में जाती है तो नेगी की वाइफ ने कहा मैं सुबह चंडीगढ़ निकल जाऊंगी नेगी के पास। तो जब चार्ली अपने कमरे में सो रही होती है तो वो अपने रूम की खिड़की को थोड़ा खुला रखती है ताकि आग का धुआं बाहर चला जाए। लेकिन तभी एक व्यक्ति जिसका चेहरा दिखाया नहीं जाता वो खिड़की को बंद कर देता है ताकि ऑक्सीजन की कमी से चार्ली की मौत हो जाए और किसी को कोई शक भी ना हो। फिर एक पुराने सीन में चार्ली और उसकी मम्मी दोनों केस को सॉल्व कर रही होती है। तब चार्ली बताती है कि यहाँ से सड़क 3 मिनट दूर है और उसकी मम्मी ने कहा कि 2 मिनट। तो चार्ली की मम्मी भाग के सड़क तक जाती है और चार्ली टाइम नोट करती है। लेकिन तभी सड़क पे एक गाड़ी आती है और वो उसमें बैठ के वहां से चली जाती है। चार्ली बारिश में खड़ी उन्हें बस देखती रह जाती है। इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें चार्ली हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर ने बताया तुम्हारे रूम की खिड़की बंद थी, फायरप्लेस ने कमरे की सारी ऑक्सीजन खींच ली, अगर आधा घंटा और देर होती तो तुम हमेशा के लिए सो जाती। फिर कर्नल बरुआ दवाई लेने चले जाते हैं। मोहन अंकल ने चार्ली की जान बचाई। उन्होंने कहा कि मैं नेगी के घर पे आया था पर वो घर पे नहीं था। वापिस जाने पर मैंने देखा चार्ली के कमरे की खिड़की बंद है। फिर वही सीन दिखाया जाता है जिसमें चार्ली मोहन के घर में चुपके से देख रही थी। तब होमगार्ड ने चार्ली को देख लिया था और वो वहां से भाग गई। तो जानकी ने बताया हमारे घर के बैकयार्ड में गांजे के पौधे अपने आप उग जाते हैं। एक दिन मोहन का दोस्त आया और वो चर्च का दीवाना हो गया। उसने हमें बिजनेस का ऑफर दिया और इसी से अब हमारा सारा खर्चा निकलता है। मोहन ने बताया फिल्म के बहाने मैं हर फ्राइडे डिलीवरी देने जाता हूँ, लेकिन मेहरबान की मौत वाली रात मेरा दोस्त नहीं आ सका क्योंकि उस रात मौसम काफी खराब था। चार्ली उन्हें बताती है कि कल रात मेरे कमरे की खिड़की खुली थी, रात को किसी ने मेरी जान लेने की कोशिश की। इसके बावजूद चार्ली अपने रूम में जाती है तो वहां सीताराम पहले से ही मौजूद था। उसने बताया मैं लखनऊ गया था, विलायत और वसीमा का असली नाम बंटी और पिंकी अफताब है, वो दोनों ठाकुर ऑयल एंड गैस कंपनी के मालिक अजय ठाकुर का कत्ल करके फरार हैं और बिल्लू भी वहीं पे काम करता था। इसके बाद विलायत और वसीमा दोनों पहाड़ों की तरफ कहीं जा रहे होते हैं। चार्ली और सीताराम उनका पीछा करते हैं तब वहां लाल कपड़ों में वही आदमी खड़ा होता है जो उस रात उन्हें दिखा था। लाल कपड़ों में बिल्लू ही था। इसके बाद बिल्लू चार्ली और सीताराम के सामने आ जाता है। उसने चाकू निकाला और हमला करने की कोशिश की लेकिन तभी विलायत ने उसे ये करने से रोक दिया। फिर विलायत अपनी असली कहानी बताती है कि वो छोटी उम्र में ही विधवा हो चुकी थी, उसकी पहली और आखिरी गजल की रिकॉर्डिंग थी। तब वहां ठाकुर मौजूद था और वो उन्हें अपने साथ ले गया। ठाकुर ने उन्हें रहने को घर दिया और कहा कि अब तुम सिर्फ मेरे लिए ही गजल गाओगी। फिर ठाकुर और विलायत दोनों एक साथ सोते हुए नजर आते हैं। इसके बाद ठाकुर को विलायत की नहीं वसीमा की गजल अच्छी लगने लगी। एक रात टीवी प्रोग्राम चल रहा था जिसमें वसीमा गजल गा रही थी तो ठाकुर विलायत के घर चले जाते हैं। उन्होंने वसीमा को उठाया और वो उसे थप्पड़ मारने लग जाते हैं। विलायत ठाकुर को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकते और वसीमा का गला दबाने लग जाते हैं। तो विलायत को हमला करना पड़ा जिसकी वजह से ठाकुर की मौत हो जाती है। इसके बाद बिल्लू ने दोनों को मनाली भेजा। बिल्लू ने बताया वो कत्ल की रात मनाली में ही था। जब वो मेहरबान को मारने उनके घर तक पहुंचा तो उनकी पहले से ही मौत हो चुकी थी। बिल्लू मेहरबान रावत को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि वो निकोल मोरे से शादी करने वाले थे और अपनी सारी जायदाद उसे दे देते। फिर बिल्लू एक धर्मशाला में जाके छुप गया और जिस रात बिल्लू वसीमा से मिलने गया उस वक्त चार्ली और सीताराम उनकी जासूसी कर रहे थे। उस कत्ल वाली रात के बारे में वसीमा ने बताया कि मुझे वहम होता है, मुझे सिज़ोफ्रेनिया है। तो चार्ली ने कहा मुझे पता है क्योंकि उस दिन चार्ली ने वसीमा की मेडिसिन की फोटो क्लिक की थी। वसीमा ने बोला उस रात मैंने क्या कहा क्या किया मुझे कुछ याद नहीं, मैंने एक भी मेडिसिन मिस नहीं की, फिर भी ये हुआ। तो चार्ली उनके घर जाके
वसीमा की मेडिसिन लेके कहने लगती है कि इनका लैब टेस्ट करवाना होगा। इसके बाद नारायण फ्रूट्स लेके चार्ली के पास आता है। उसने बताया कि मैंने चार्ली तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं किया, मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैंने कातिल का पता लगा लिया है, वो है बिल्लू। हम धर्मशाला गए, जब रजिस्टर चेक किया तो पता लगा कि बिल्लू उस रात वहीं पे था। तो चार्ली और सीताराम दोनों हंसने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि बिल्लू ने खून नहीं किया। फिर चार्ली नारायण को वसीमा की मेडिसिन देती है और उनसे कहने लगती है कि आप इनका लैब टेस्ट करवाओ। इसके बाद चार्ली लेडी रोज की आत्मा वाली रिकॉर्डिंग सुनती है। तब सीताराम ने कहा कि मेहरबान रावत को मरने में वक्त लगा होगा, तो अगर लेडी रोज ये पहले बता देती तो फायदा होता। इस पर चार्ली ने कहा फायदा हुआ, खबर पहले हुई और हत्या बाद में। इसके बाद दोनों मेहरबान रावत के घर चले जाते हैं। वहां जब दोनों ऊपर वाले कमरे में गए तो उस जगह वो जूते मौजूद नहीं थे जो चार्ली ने पहले देखे थे। उसने कहा कि रावत का हथियारा उसे ले गया। फिर दोनों पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। चार्ली सिज़ोफ्रेनिया की टैबलेट उठा के खाने लगती है, लेकिन सभी उसके पीछे पड़ जाते हैं कि इसे मत खाओ, तुम्हें कुछ हो जाएगा। लेकिन चार्ली उसे खा लेती है और कहने लगती है कि ये मेडिसिन नहीं बेसन के लड्डू हैं। फिर चार्ली ने बताया कि अब हथियारे का पता चल गया। इसके बाद पुलिस की गाड़ी खूनी के घर की तरफ निकल पड़ती है। तो जब वो घर में पहुंचे तो वहां कर्नल बरुआ पहले से ही मरे हुए थे। बरुआ ने वसीमा को मेडिसिन लाके दी थी, इसलिए उसे लगा कि बरुआ ने ही कत्ल किया है, लेकिन अब बरुआ खुद मर चुका है। और इसी के साथ इस सीरीज का 5वां एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो अगर आपको इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।